as <laughs> Assalamu alaikum students how are you all i hope you will be fine it's our fifth sst class of grade 1 today we will start new lesson lesson number 3 can you tell me the name of lesson number 3 yes yes the name of lesson number 3 is good manner have you any good manner आप लोगों में कोई गुड मैनर हैं यस बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे गुड मैनर्स होंगे तो आपके अंदर जो जो गुड मैनर्स हैं आपने वॉइस मैसेज में ग्रुप में शेयर करने हैं ओके स्टूडेंट्स गुड तो गुड मैनर का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ तो सब बच्चे रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए यस yes, ओके okay. तो आपने तोज्जो से मेरी स्टोरी सुनी है फिर मैंने आपसे पूछना है इसमें कौन सा गुड मैनर था ओके okay, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीने की गलियों से गुज़रा करते थे एक गली में एक औरत रहती थी बूढ़ी औरत तो वो बूढ़ी औरत क्या करती जब भी नबी करीम सलील्हल वल्लम वहाँ से गुजरते तो वो उन पर कूड़ा फेंक देती लेकिन नबी करीम सल वम उसे कुछ भी ना कहते बल्कि मुस्कुराते हुए यूं गुजर जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं था तो वो रोज़ बुढ़िया ही ऐसा काम करती लेकिन आपने कभी उससे बदला ना लिया उसको हमेशा माफ़ कर दिया एक दिन अभी करीम वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने नोट किया कि आज बुढ़ी औरत नहीं है जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी उनको थोड़ा तो जसूस हुआ कि क्यों नहीं है खैर तो है आज बुढ़ी औरत क्यों नहीं है यहाँ पे तो वो उस बुढ़ी औरत के घर गए तो उन्हें पता चला कि वो बूढ़ी औरत बीमार है तो आपने उस बूढ़ी औरत की तीमादारी की जब बूढ़ी औरत उनके घर गई जब जब वो अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के घर गए तो बूढ़ी औरत डर गई इसलिए कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बदला लेने तो नहीं आ गए जो मैं रोज़ इनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ शफकत से नरमी से पेश आए और उस बूढ़ी औरत को उस बूढ़ी औरत ने इस शफकत से वो बूढ़ी औरत इस शफकत से बहुत मुतासर हुई और आप अलैहि वसल्लम से अपने किए की माफ़ी मांगी तो आप अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत को माफ़ कर दिया तो प्यारे बच्चों क्या सीखा आपने इस स्टोरी से हम hmm, दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए कोई हमसे जितनी भी जाती करे हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए क्या माफ़ कर देते हैं दूसरों को hmm, तो आपको दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए ये बहुत ही अच्छी आदत है तो नबी करीम ने एक बात यह भी फरमाई कि मत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो होगा जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे इखलाक होंगे जिसके सबसे ज़्यादा गुड मैनर्स होंगी तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा गुड मैनर्स को अडॉप्ट करना है जो बैड मैनर्स है उसको आप लोगों ने खत्म करना है ओके स्टूडेंट्स प्रोमिस गुड प्रोमिस तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं गुड मैनर्स की आप लोगों को समझ आ गई होगी मैनर्स क्या होते हैं गुड मैनर्स ये होते हैं कि दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आना दूसरों के साथ दूसरों को माफ़ कर देना झूठ ना बोलना दूसरों का एहतराम करना ये सारी क्या हैं गुड मैनर्स हैं तो अपने लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं ओपन योर एस एस टी वर्क बुक सॉरी ओपन योर एस एस टी बुक पेज नंबर एट स्टार्ट रीडिंग फियाज असद shake hands. It is the Sunnah एंड Holy हैंड्स इट Alaihi द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट Sallallahu Alaihi Wasallam प्रॉफिट that Muslims say Assalamu Alaikum to टू other. इस पैराग्राफ में यह बताया गया है बच्चों कि जो असद्याज़ हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और जब वो मिलते हैं तो क्या कहते हैं असलमकुम और क्या कहते हैं अपने हैंड को शेक करते हैं ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ना वो एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे हैं यस तो जब भी हमें एक हम एक दूसरे से मिलें तो अल्लामक कहना चाहिए और हैंड शेक करने चाहिए क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनना है तो जब भी हम किसी से मिलें अगर हम उसे जानते हों तब भी सलाम करें अगर हम नहीं जानते तब भी उसे सलाम करना चाहिए आपको पता है जब हम किसी को सलाम करते हैं तो हमें कितनी नकियाँ मिलती हैं दस नकियाँ मिलती हैं ठीक है तो हमने निकियाँ भी इकट्ठी करनी है इसलिए जब भी आप किसी से मिले सलाम कहना चाहिए ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ गुड मुस्लिम्स हैव गुड दे से प्लीज व्हेन आस्किंग फॉर समथिंग आर टेलिंग सम बॉडी टू डू सम दिस काइंड टू देम और गिव्स दैम सम तो बच्चों इस पैराग्राम में ये बताया गया है कि जो गुड मुस्लिम्स होते हैं उनमें गुड मैनर्स होते हैं वो जब उन वो कोई चीज़ किसी से लेते हैं किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ गिव मी दिस पेन प्लीज़ गिव मी दिस बुक तो वो प्लीज़ के साथ कहते हैं तो आपको भी प्लीज़ के साथ कहना चाहिए प्लीज़ गिव मी बुक प्लीज़ गिव मी दिस पेन प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर इस तरह आपको प्लीज़ का वर्ड्स आज यूज़ करना चाहिए ओके बच्चो येस तो आप जब किसी से कोई चीज़ लें उसको रिटर्न करनी हो तो आप उसे जजाकल्ला खैर भी कहना चाहिए क्या कहना चाहिए जजाकल्ला खैर क्या कहना चाहिए जजाकल्ला खैर जजाक वेरी गुड तो आपको इस पेज की रीडिंग समझ आ गई येस तो अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज़ की क्वेश्चन आंसर की तरफ जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है वो हम उसको सोल्व करेंगे ओके okay, बच्चों ओपन तो करें अपनी एस एस टी का पेज नंबर टेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ डू असद एंड प्याज ग्रेट ईच अदर असद और प्याज एक दूसरे से कैसे मिलें अब अभी हमने पढ़ा यस yes. तो अपनी एस एस टी की नोटबुक ओपन करें उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं जी तो अपनी एस एस टी की नोटबुक ओपन कर ली Yes, draw major line neat and clean. Write date and day. On the next line, write lesson number three. Then write good manners. Then write question answer. You done this? Okay. Come on next line. Write like this. Question number one. How do Asad and Pyas greet each other? Write down the answer. असद एंड फ्याज ग्रीट ये बच्चों ये मैं कट करके ऊपर ई लिखा है ठीक है ग्रीट इच अदर बाय सेइंग अस्सलाम वालेकुम एंड शेक हैंड तो आपका आधा क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा फ्रॉम असद एंड फ्याज ग्रीट इच अदर कैन यू राइट फ्रॉम दिस असद एंड फ्याज ग्रीट इच अदर इतना क्वेश्चन आपने सॉरी इतना आंसर क्वेश्चन से लिखना है बाई से एंड शेख हैंड ये बस आपने इतना याद करना है बाई सेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वैन डू वी से जजाकल्ला खैर हमें जजाकल्ला ख़ैर कब कहना चाहिए जी तो आप बता सकते हैं कि हमें जजाकल्ला ख़ैर कब कहना चाहिए ये राइट ऑन दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक एंड राइट द आंसर वैन Somebody kind to us or gives us something. आपने when के बाद जो सम मैंने लिखा है ना सम के साथ बॉडी लिखना है मैंने ये एरो से लगाया मेरे मिस्टेक हो गई थी बॉडी नहीं राइट right किया था इसलिए मैंने बाद में ऐसे ऊपर लिखा दि, लिख दिया तो आपने सम के साथ ही बॉडी को लिखना है ऐसे एरो के साथ ऊपर नहीं लिखना ओके सम बॉडी काइंड टू आस आर गिव्स आ समिंग दिस इज योर आंसर आर यू क्लियर यस एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स तो बच्चों आज का होमवर्क आपने ये दोनों क्वेश्चन आंसर को नोटबुक पे नीट एंड क्लीन राइट ऑन करके इसकी पिक्चर आपने ग्रुप में शेयर करनी है ओके स्टूडेंट्स ओके थैंक यू अल्लाह फ्लीजेक केयर